हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्ध क्लासेस। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, और ये लास्ट सीरीज रहेगी एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस के लिए। इससे पहले एक सीरीज और आ चुकी है, आज हम पार्ट टू की बात कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पिडेंस किस कॉन्फिग्रेशन में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कॉमन एमिटर में, ऑप्शन बी कॉमन कलेक्टर, ऑप्शन सी कॉमन बेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पिडेंस किस में ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉमन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जब ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेस एमिटर रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज रहेगा, ऑप्शन बी डिक्रीज रहेगा, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए ट्रांजिस्टर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा बेस एमिटर जंक्शन पर, तो जो रेजिस्टेंस होगा एमिटर बेस जंक्शन पर, तो वो इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, कॉमन एमिटर मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट एंड आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। देखिए ये कह रहा है कॉमन एमिटर मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 180 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ICEO इक्वल्स टू डैश, ऑप्शन ए 1+α इंटू ICBO, ऑप्शन बी ICBO अपॉन 1-α, ऑप्शन सी ICBO अपॉन 1+α, ऑप्शन डी 1-α इंटू ICBO। देखिए इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ICBO अपॉन 1-α। ये क्या है, ये एक डेरिवेटिव होते हैं जिसकी हम नेक्स्ट कभी क्लास में देखेंगे। अभी तो हम इक्वेशन ही मतलब क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो अभी इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसकी, लेकिन आपको ये याद रखना होगा अभी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ICBO अपॉन 1-α। ओके अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस होता है, ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बहुत अधिक, ऑप्शन डी एप्रोक्स 0। देखिए यहाँ पर बोल रहा है एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस क्या रहेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को बनाने में अधिकतर किस का यूज होता है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर को जब हम बनाते हैं तो उसको हम सिलिकॉन से ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर को बनाने में अधिकतर किस मटेरियल या किस एलिमेंट का यूज होता है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। एक्चुअली क्या होता है कि सिलिकॉन जो होता है हमें जर्मेनियम के कंपेयर में आसानी से मिल जाता है, इसीलिए हम सिलिकॉन का ही यूज ज़्यादा करते हैं सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पर तो अभी ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, तो सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है एक ट्रांजिस्टर, तो बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांजिस्टर में बेस करेंट IV एमिटर करेंट IE का कितना परसेंटेज होती है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 3%। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2%। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो हमें है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिख जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो पहले से ही कैलकुलेशन हो जाती है उनकी, उसके बाद ये रिजल्ट्स आते हैं, तभी इनके पैरामीटर्स वगैरह आते हैं। तो इसीलिए अभी आपको ये याद ही रखना होगा कि ट्रांजिस्टर में बेस करेंट IV एमिटर करेंट IE का 2% रहता है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, किस मोड का वोल्टेज गेन सबसे अधिक होता है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है किस मोड का वोल्टेज गेन सबसे अधिक रहेगा। ऑप्शन ए कॉमन बेस, ऑप्शन बी कॉमन एमिटर, ऑप्शन सी कॉमन कलेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए कॉमन बेस का जो वोल्टेज गेन रहता है वो मैक्सिमम रहता है, और कॉमन एमिटर का पावर गेन ज़्यादा रहता है, और कॉमन कलेक्टर का करंट गेन ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है वोल्टेज गेन पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉमन बेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट एंड आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस क्या रहेगा? ऑप्शन ए 270 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। देखिए यहाँ कॉमन बेस मोड में पूछ रहा है तो इनपुट और आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0 डिग्री रहता है। एक्चुअली कॉमन एमीटर में जो फेज डिफरेंस रहता है वो हमने देखा था 180 डिग्री रहता है, और जो कॉमन बेस में जो फेज डिफरेंस रहता है वो 0 डिग्री रहता है, और कॉमन कलेक्टर में भी 0 डिग्री रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है, पावर गेन किस मोड का ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए कॉमन एमीटर का, ऑप्शन बी कॉमन बेस का, ऑप्शन सी कॉमन कलेक्टर का, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए पावर गेन पूछ रहा है यहाँ पर किस मोड का ज़्यादा रहेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉमन एमीटर का। क्योंकि क्या होता है, कॉमन एमीटर का पावर गेन ज़्यादा रहता है और कॉमन कलेक्टर का करंट गेन ज़्यादा रहता है और कॉमन बेस का वोल्टेज गेन ज़्यादा रहता है। ओके, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। अब हम नेक्स्ट सीरीज जो देखेंगे वो हम देखेंगे एफईटी और मॉस्फेट ट्रांजिस्टर के लिए। ओके, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।